हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आप सभी का स्वागत है और सभी के लिए प्यार भरा नमस्कार भी है। तो चलिए देखिए, आज समर्स ख़त्म हो गई हैं और विंटर्स शुरू हो चुकी हैं और जो हमें पॉर्चुली का बहुत ही सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से रोजेज दे रहा था, उसने देने बंद कर दिया है, जिसको 9 o'clock भी बोला जाता है। अब उनको किस तरह हम विंटर्स में सेव कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो ये जो मेरी बास्केट में पॉर्चुलिका लगा हुआ था, मैंने भी देखिए उसको निकाल लिया है, सारे पॉर्चुलिका को, और मैं अब उस बास्केट में पिटूनिया लगाने वाली हूँ। इसी तरह से मैं सारी बास्केट्स में पिटूनिया, पैंसी, डाइंथस, जो भी फ्लावर्स हैं, विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो सब लगाऊंगी। तो आज तो मैं पहले आपको ये बता रही थी कि सब लोगों को अपने किस तरह से पॉर्चुलिका, जो कि मैंने अलग अलग कलर्स के वाइट, पिंक, रेड, येलो इकट्ठे किए थे, उन सबको सेव कर लूँगी ताकि वो मेरे अगले साल जब फिर से समर्स आएँ तो फिर से वो काम आ सकें। तो देखिए, ये सारा इस निकालने के बाद जितना इसका पॉटिंग मिक्स है वो मैंने निकाल लिया है, और इसको मैं एक अलग से पॉट में सारा पॉर्चुलिका उसमें डाल दूँगी और उसको एक किनारे पे अपने टेरेस में जहाँ पे धूप कम आती हो और रख दूँगी, और बहुत कम पानी देने की ज़रूरत है और चलता रहेगा। और देखिए, इसके लिए बास्केट के लिए, पेटूनिया के लिए जो ये पॉटिंग मिक्स था, क्योंकि हैंगिंग बास्केट थी तो पहले भी इसमें वही कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट और कंपोस्ट थी। और देखिए, थोड़ा मैंने और कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट और कंपोस्ट डाल के थोड़ा सा मिक्स को दोबारा से बना लिया है पॉटिंग मिक्स। और अब मैं इसको अपनी बास्केट में डाल के, और देखिए मैं पेटूनिया लग रही पॉट करूँगी, क्योंकि मैं उस दिन लाई थी और शायद मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अपने शॉपिंग हॉल में, और शायद मैं वो अभी तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। वो भी मैं अपलोड कर दूँगी वीडियो, जिसमें कि मैं पेटूनिया और विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स और भी कुछ प्लांट्स लाई थी। ये पॉटिंग मिक्स हम क्यों इसके लाइट बनाते हैं, ताकि हैंगिंग बास्केट्स इजीली हमारी चल सके, और उस पर अगर हम ज़्यादा सॉइल वगैरह डालेंगे तो वो टूटने का डर है। तो मैं तो बिल्कुल सॉइल हैंगिंग बास्केट्स में सॉइल सैंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती। तो देखिए, पॉटिंग मिक्स डाल दिया और ये पेटूनिया है मेरा, और इसकी बास्केट को, इसकी जो पॉली बैग की थैली है इसको मैं बड़े आराम से काट लूँगी, और इसकी जो मिट्टी है इसको भी मैं सेव कर लूँगी। और देखिए, इस तरह से इसमें से जो भी पेटोनिया जो पॉली बैग में लगा आया है, ये तो मिट्टी में लगा हुआ है, इस सारी मिट्टी को मैं निकाल लेने वाली हूँ। देखिए, बहुत प्यार से हमें थोड़ा प्लांट्स को हैंडल करना है ताकि उनकी रूट्स भी डैमेज ना हो। देखिए, बहुत छोटी सी रूट्स होती हैं इसकी, और इसको मैंने सारी इसमें से मिट्टी निकाल ली है जिसमें ये प्लेस्ड था, और इसको मैं अपनी बास्केट में पॉटिंग मिक्स में लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको थोड़े दिन के बाद फिर दिखाऊंगी किस तरह से इसमें कितने ही फ्लावर्स पिटूनिया के हैंग कर रहे होंगे, और लगाने के साथ साथ जब भी इसकी कोई स्टेम आएगी तो किस तरह से इसको पिंचिंग करते रहेंगे तो इसमें जल्दी से ज़्यादा स्टेम्स आती रहती हैं। ये मेरा प्लांट बहुत इजी है, कुछ भी करना मुश्किल नहीं है, बस एक बार मन में ठान लेना है कि हाँ, हमें तो प्लांट्स इस तरह से लगाने हैं। और मेरा हैंगिंग बास्केट्स का जो मैंने अपना बालकनी गार्डन बना रखा है, ये तो मुझे लगता है सबको बहुत पसंद आ रहा है, और आप लोगों को साथ साथ इसके चलते चलते मैं रिक्वेस्ट भी कर लेती हूँ, प्लीज़ सुमन की बगिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। देखिए, ये बास्केट मेरी बन चुकी है, और जो पॉर्चुलिका है उसको भी इसमें, जो मेरा कंटेनर खाली हुआ है इसी में ही मैं ये जो मिट्टी निकली थी उसमें और जो बाकी पॉटिंग मिक्स था मिक्स करके उस सबको सेव कर लूँगी अपनी समर्स के लिए। तो इस तरह से हमें अगले, जैसे ही समर्स आएंगी तो हमें फिर से नर्सरी में जाके भागना नहीं पड़ेगा पॉर्चुलिका लेकर आओ, 9 o'clock लेकर आओ। देखिए, कुछ नहीं करना, बस सिंपल इसको एकदम रफ तरीके से ही रख देंगे, कुछ ज़्यादा करने की, क्योंकि ये तो हर जगह से ये
आप इसकी छोटी सी भी अगर एक डंडी लेके आते हैं, स्टेम लेकर आते हैं, तो भी ये ग्रो हो जाता है। याद होगा ना आपको, कई बार हम लोग ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको कहीं भी किसी भी तरह रफ तरीके से बस रख लेना। और कई लोग तो ऐसे भी रखते हैं कि अपना कलर वाइज रेड को एक कंटेनर में, वाइट को, ताकि अगले साल जब आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं तो मिक्स करके रख देती हूँ। तो देखिए ये मैंने भी रख दिया और पेटूनिया में भी मैंने पानी डाल दिया है। और इसको हम अब इसके बाद वापस अपनी जगह पे हैंग कर देंगे। पेटूनिया बहुत सारे कलर्स में आता है। देखिए कितनी सुंदर मेरी बास्केट बन गई है। और इसी के साथ ही आज मैंने छोटा सा काम किया सुबह, तो मैंने कहा आपसे साथ शेयर कर देती हूँ। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ। बने रहिएगा सुमन की बगिया के साथ। ओके, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।